देखिए सरकार तो मंशा साफ है, सरकार ने ही अभी टाइम मांगा है सुप्रीम कोर्ट में, उनकी मंशा साफ है कि इसको किसी तरीके से भी डिले किया जाए, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कोई भी आर्ग्यूमेंट या इसके इसके फेवर में बहस इतनी मजबूत नहीं है। लखनऊ के प्रोटेस्ट में महिलाओं को हौसला अफजाई के लिए महमूद प्राचा जी आए हैं, उनसे जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सीएए को लेकर जो बिना रोक लगाए जो फैसला सुनाया है, चार हफ्ते का समय लाया है, उसमें इनका क्या कहना है? हमने चंद्रशेखर आजाद साहब की तरफ से और स्वामी अग्निवेश साहब की तरफ से पिटीशन लगाई है, जिसमें मोबाइल हुआ था और माइनॉरिटीज़ के साथ ये ज़्यादा ज्यादती है CA NRC और NPR में ट्राइबल एरियाज़ के साथ ज़्यादा ज्यादती है, इसलिए इसको तुरंत हटाया जाए और इसकी अर्ली हियरिंग की भी दरखास्त लगाई है। तो उसके लिए हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी इस पर अर्ली हियरिंग की सुनवाई दे। सर, ये जो चार हफ्ते का समय है, इस पर आपको क्या लगता है, इस पर सरकार की जो मंशा क्या है और कोर्ट की इस पर मंशा क्या है? देखिए सरकार तो मंशा साफ है, सरकार ने ही अभी टाइम मांगा है सुप्रीम कोर्ट में, उनकी मंशा साफ है कि इसको किसी तरीके से भी डिले किया जाए, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कोई भी आर्ग्यूमेंट या इसके इसके फेवर में बहस इतनी मजबूत नहीं है, तो इसीलिए सरकार बार बार टाइम मांग रही है। लेकिन इस देश की जनता अब ये जाग चुकी है, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ जो हैं 85% से ज़्यादा हैं देश में, आज देश में हज़ारों जगह पर इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो कि महिलाएं लीड कर रही हैं। सर, यहाँ आप लखनऊ में महिलाओं के प्रोटेस्ट को देखा, इसमें शामिल हुए, इन महिलाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी हिम्मत को सलाम, आप जो हमारे देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जितनी लड़ाई कर रही हैं, जितनी मेहनत कर रही हैं, उससे आपको हम सब हौसला मिलता है और हम सब लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करने के लिए और हौसला मिलता है। ये हमारे साथ थे महमूद प्राचा जी, जो चंद्रशेखर उर्फ रावण के वकील हैं। उन्होंने उनका साफ तौर पर कहना था जो महिलाएं इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, इस उन महिलाओं के हौसला अफजाई के लिए इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और उनको मैसेज भी दिया है कि वो इस आंदोलन को जारी रखें और उनको इस आंदोलन का फ़ायदा जरूर मिलेगा। लखनऊ से कायम हुसैन के साथ मैं आसिफ खान।